सब्सक्राइब कीजिए आईए टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आईए टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है तो इसे एंड तक सुनना। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एंड्रॉइड के कोर्स के बारे में बताया था और उसके लिए मैंने कुछ रेट भी रखे थे। मुझे बहुत सारे मेल भी आए उस कोर्स से रिलेटेड, लेकिन मैंने किसी को वो कोर्स नहीं दिया क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं पैसे लेके किसी को कोर्स दे रहा हूँ। और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ये कोर्स अब मैं सबको फ्री में दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कोई एंड्रॉयड डेवलपर बने, चाहे वो प्ले स्टोर के लिए काम करे या खुद जॉब के लिए करे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि अगर मैं पैसा चार्ज करता हूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों मैं हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा एंड्रॉयड से रिलेटेड। ये कम्प्लीट कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो स्टार्टिंग जावा से लेके होगा, जिसमें जावा, एंड्रॉयड, हाउ टू डिबग कैसे करते हैं, स्टैटिक ऐप कैसे बनाते हैं, डायनेमिक ऐप कैसे बनाते हैं, इसको डिबग करते हैं, क्रैश जब होता है तो उस क्रैश को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्ले स्टोर में पब्लिश कैसे करते हैं, एडमोब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सारे जो एंड्रॉयड से रिलेटेड है, चाहे वो डिजाइन हो, एंड्रॉयड डिवाइस हर स्क्रीन रेजोल्यूशन में है तो उस सारे स्क्रीन में कैसे सपोर्ट करता है एक हमारा एप्लीकेशन, चाहे वो मोबाइल के लिए हो या फिर टैबलेट के लिए हो। ये जो पूरी सीरीज है, जो कोर्स का पूरा कंप्लीट पैकेज है, वो मैं 1 by 1 आपको शेयर करूंगा और आप पूरी अच्छे तरीके से, लगन से, मेहनत से इसे सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हर 2-3 दिन में मैं अपडेट करूंगा क्योंकि मैं भी ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से आने के बाद ये काम करता हूं। और दोस्तों मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सीखें, अच्छे तरीके सीखें और प्ले स्टोर में अपना एप्लीकेशन बना बना के डालें। सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनके लिए भी ये है कि वो भी सीख लें और प्ले स्टोर के लिए अपना एप्लीकेशन बनाए। देखिए एप्लीकेशन बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड नेटिव, मतलब एंड्रॉयड के खुद से अगर आप बनाते हैं, वो सीख लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको जो सोर्स कोड मिलेंगे गिथहब में या कहीं से भी मिलेंगे, वो सोर्स कोड सारे जो सारे एंड्रॉयड में ही रहेंगे, एंड्रॉयड के नेटिव रहेंगे। तो अगर आप एक बार बेसिक सीख लेते हैं तो आपको वो चीज़ करने में बहुत आसानी होगी, डेवलपमेंट करने में आसानी होगी। किसी को भी ये बता सकते हैं कि हाँ एंड्रॉयड में मैं ये चीज़ जानता हूँ पूरी तरीके से। आप कोई कंपनी में जाते हैं तो वहाँ भी आपको जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाती है। और दूसरी बात है, एंड्रॉयड नेटिव का यूज़ करते हैं तो आपका कभी भी चांसेस नहीं रहेगा ज़्यादातर कि सस्पेंड होगा एप्लीकेशन, और सारे चीज़ों में रिस्क है थोड़ा से, मगर एंड्रॉयड खुद का नेटिव लैंग्वेज है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप हमसे जुड़िए और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट किया कीजिए। मैं डेली आप लोगों के कमेंट को देखता हूं और उसे रिप्लाई करता हूं, और जो भी आए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय।